सभी को नमस्कार। आज का हमारा जीवन परिचय, जिसमें हम साहित्यिक परिचय के साथ साथ मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख जीवन की जो बातें हैं, घटनाएं हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद एक महान कथाकार थे, उन्हें उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म सन 1880 में बनारस के निकट लमही गाँव में एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। मात्र 5 वर्ष की आयु में उनकी माताजी का निधन हो गया था और उनकी माताजी के निधन के बाद पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। उनकी सौतेली माँ का रुख उनके प्रति अच्छा नहीं था। 13 वर्ष की आयु मात्र में उनका विवाह कर दिया गया और 14 वर्ष की आयु में उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया। 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने स्कूल में अध्यापक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी के दौरान ही प्रेमचंद जी डिप्टी इंस्पेक्टर के पद तक पहुँचे। वे स्वभाव के स्वाभिमानी थे। सन 1928 में प्रेमचंद जी नौकरी से त्यागपत्र देकर गांधी जी के द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने जीवन पर्यंत साहित्य सेवा की। सन 1936 में उनका देहांत हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं उसकी बात करें तो वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, प्रेमाश्रम आदि 11 उपन्यासों की इन्होंने रचना की तथा 300 के लगभग कहानियां लिखी, जिनमें कफन, पूस की रात, 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, शतरंज के